हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग स्किल्स। इस वीडियो में हम देखेंगे 1001 बिट टूल के बारे में, जो कि एक बहुत ही आसान और यूजफुल टूल है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वो टूल आपको कहां से मिलेगा। जस्ट क्लिक ऑन द विंडोज, देन एक्सटेंशन वेयरहाउस। जैसे ही आप एक्सटेंशन वेयरहाउस पे क्लिक करेंगे, एक नई विंडो ओपन होगी और उसमें आपको टाइप करना है 1001 बिट टूल। ओके, उसके बाद आपको एक्सटेंशन मैनेजर में जाके 1001 bit tool को अनेबल करना है। ठीक है, 1001 bit tool फ्रीली अवेलेबल है और बहुत ही यूजफुल है। आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पता चले कि आप छोटी छोटी चीजें जो कि आपको करने में दिक्कत होती है, वो आप 1001 bit tool यूज करके कैसे जल्दी कर सकते हैं। सो सबसे पहले मैं 1001 bit tool को एक्टिवेट कर लेता हूँ। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है 1001 bit tool पे। So, चलिए अब बारी बारी से देखते हैं हम इन सबको कैसे यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ और पुश पुल कमांड की मदद से उसे थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो अब देखते हैं सबसे पहले टूल के बारे में। मान लीजिए कि कोई भी एक प्लेन पे अगर आपको एक पॉइंट ड्रॉ करना है किसी भी रेफरेंस से, तो हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ 1001 बिट टूल। सो सबसे पहला ऑप्शन आप सिलेक्ट कीजिए। सबसे पहले आप रेफरेंस पॉइंट सिलेक्ट कीजिए। फॉर एग्जांपल दिस इज माय रेफरेंस पॉइंट। अब हॉरिजॉन्टली आपको कितना जाना है, फॉर एग्जांपल 2 फीट, जस्ट टाइप कीजिए 2 फीट, एंटर। देन वर्टिकली आपको कितना जाना है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए 1.5 फीट जाना है, तो 1 फीट एंड 6 इंचेस। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक ब्लैक डॉट बन गया है जो कि हमारा रेफरेंस पॉइंट है। सो यहाँ से आपको अगर कुछ भी ड्रॉ करना है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला। नाउ नेक्स्ट इज, मान लीजिए अगर आपको कोई भी लाइन या कोई भी फेस है उसे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो किस तरीके से कर सकते हैं। जस्ट सिलेक्ट दैट फेस, सेकंड ऑप्शन ऑन कीजिए। यहाँ पे आपको 3 अलग-अलग ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला वाला है नंबर ऑफ सेगमेंट, मतलब कि आपको इस सारी लाइंस को कितने सेगमेंट में डिवाइड करना है। अगर आपको 12 सेगमेंट में डिवाइड करना है, जस्ट टाइप 12 एंड क्लिक ऑन डिवाइड। दूसरा ऑप्शन है फिक्स डिस्टेंस फॉर ईच सेगमेंट। मान लीजिए अगर आपको कोई भी लाइन है जिसे आपको एक फिक्स डिस्टेंस के माध्यम से आपको डिवाइड करना है, तो यहाँ पे आप अपना डिस्टेंस भी ऐड कर सकते हैं। और वो डिस्टेंस कैसे होगा, तो वहां पे भी 3 ऑप्शन है। सेटिंग आउट फ्रॉम मिडल, दैट मीन्स यहाँ पे पहली फिगर आपको ऊपर दिखाई दे रहा है कि मिडल से 6-6 इंच पे आपको डिविजन मिलेंगे। दूसरा ऑप्शन है सेटिंग आउट फ्रॉम मिडल, दैट मीन्स मिडल से आपको 3 इंच इस साइड, 3 इंच दूसरी साइड, मतलब एक 6 इंच का एक स्पेस मिल गया, और उसके बाद आपको 6-6 इंच के डिवीजन मिलेंगे। और तीसरा जो ऑप्शन है सेटिंग आउट फ्रॉम स्टार्ट पॉइंट, दैट मींस स्टार्ट पॉइंट से पहला पॉइंट, देन 6 इंच पे दूसरा, देन अगेन 6 इंच पे तीसरा, लाइकवाइज। और जो थर्ड ऑप्शन है एवरी डिविडेंट, दैट मींस ईच सेगमेंट डज नॉट एग्जिस्ट। मान लीजिए कि कोई भी सेगमेंट है वो आपको 6 इंच से ज्यादा नहीं चाहिए, तो आप जस्ट टाइप कीजिए 6 इंच और डिवाइड हैच। सो सबसे पहले हम पहला ऑप्शन ट्राई करेंगे। सो पहले ऑप्शन पे क्लिक कीजिए एंड और फिर डिवाइड हैच पे क्लिक कीजिए। सो आप देख सकते हैं तो सारी एज डिवाइड हो चुकी है। और हम अगर डिस्टेंस मेजर करना चाहे तो यहाँ पे डायमेंशन टूल की मदद से मैं वो डिस्टेंस भी मेजर कर सकता हूँ। सो डिस्टेंस सभी का सेम रहेगा। यहाँ पे हमने ट्राई किया था कि कोई भी एज हो उसे मुझे 12 पार्ट्स में डिवाइड करना है। ठीक है, सो ये हो गया सेकंड ऑप्शन के बारे में। यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन क्या काम करेगा, मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट को आपको कहीं और जगह पे शिफ्ट करना है, तो कैसे कर सकते हैं। सो यहाँ पे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कीजिए फर्स्ट, देन तीसरा ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए। पहले आपको रेफरेंस पॉइंट सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपको फर्स्ट एक्सिस सिलेक्ट करनी है, सेकेंड एक्सिस सिलेक्ट करनी है, और अभी आपको जो नया पोजीशन आपको जहां पे भी जाना है वहां का रेफरेंस पॉइंट सिलेक्ट करना है, वहां की फर्स्ट एक्सिस, वहां की सेकेंड एक्सिस, और आपका ऑब्जेक्ट वहीं पे मूव हो जाएगा। ठीक है, सो इस तरीके से आप ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। अब देखते हैं हम चौथा ऑप्शन। इस फेस पे आपको परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। अगर आपको स्टार्टिंग पॉइंट पता है तो आप इजीली कोई भी एक्सिस पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि चौथा ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए, स्टार्ट पॉइंट सिलेक्ट कीजिए और आप उस एज को सिलेक्ट कीजिए। सो यहाँ पे आपकी परपेंडिकुलर लाइन
बन जाएगी। अगर आपको जानना है कि ये वाला पॉइंट कहाँ से मिलेगा, तो अगेन आप पहला वाला ऑप्शन यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो आप अपने हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्टेंस की मदद से पहले आप पॉइंट मार्क कर सकते हैं और वहां से आप परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। सो ये हो गया चौथा पॉइंट। अब हम चलते हैं पांचवे की ओर। मान लीजिए कि इस फेस पे आपको कोई भी एंगल या और कोई भी शेप बनाना है, तो आप फिफ्थ ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड, फोर्थ, जितने भी पॉइंट है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, और जो आपका लास्ट पॉइंट है वहां पे आप डबल क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे आपका जो भी पैटर्न बनाना चाहते हो वो बन जाएगा। अब इस शेप को आप एक्सक्रूड भी कर सकते हैं, ओके। सो इस तरीके से आप बाकी के पॉइंट्स भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको कुछ पता नहीं चलता है तो आप मुझे कभी भी इन्फॉर्म कर सकते हैं। सो अभी हम जो जो इम्पोर्टेंट है वही मैं डिस्कस करना चाहूंगा यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी वर्टेक्स को मूव करना है तो आप वर्टेक्स कैसे मूव कर सकते हैं, तो यहाँ पे जाके आप वर्टेक्स सिलेक्ट कीजिए और जिस प्लेन पे भी आपको उसे मूव करवाना है वहां पे आप उसकी हाइट लिख दीजिए, या फिर वहां तक आप सेकेंड पॉइंट सिलेक्ट कर लीजिए। सो वर्टेक्स वहां तक मूव हो जाएगा और जो भी फेसेस उसके साथ ज्वाइन है वो सारे उसके साथ एक्सट्रूड हो जाएंगे, ठीक है। सो इस तरीके से आप वर्टेक्स को भी मूव करवा सकते हैं। फिर उसके बाद अगर इम्पोर्टेंट वाला देखें, अगर आपको कहीं पे भी फिलेट लगाना है तो कैसे लगा सकते हैं, तो पहली एज सिलेक्ट कीजिए, दूसरी एज सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे आप जस्ट रेडियस टाइप कीजिए, फॉर एग्जाम्पल 5 फीट, और यहाँ पे आपका फिलेट हो जाएगा। ये बिल्कुल सिमिलर टू ऑटोकैड है। ऑटोकैड में जैसे आप लगा देते वैसे ही इसमें लगाना है। सेम वे अगर आपको चैम्फर चाहिए तो आप सिलेक्ट कीजिए फर्स्ट एज, सेकेंड एज, फिर फर्स्ट एज से कितना डिस्टेंस पे चाहिए। मान लीजिए दोनों साइड से मुझे 12 इंचेस चाहिए, तो दोनों साइड में टाइप कर देता हूँ 12 12, ओके। तो यहाँ पे आपका चैम्फर हो गया, ठीक है। सो इस तरीके से आप बाकी के सारे टूल्स भी यूज कर सकते हैं, ओके। अब जो इंटरेस्टिंग बात है, अगर आपको किसी चीज का एरे बनाना है तो कैसे बना सकते हैं, पहले उसको ग्रुप बना दीजिए, फिर यहाँ पे जो एरे का ऑप्शन है उस पे जाइए और यहाँ पे आपको फिर से तीन अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे। फर्स्ट, नंबर ऑफ एंटिटीज, दैट मीन्स आपको कितने एरे बनाने हैं वो लिख दीजिए। फॉर एग्जाम्पल मुझे 6 चाहिए, जस्ट टाइप 6 एंड बिल्ट एरे। सो उसमें आपको डिस्टेंस स्पेसिफाई करना पड़ेगा, कितने डिस्टेंस पे आपको एरे चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे आपको 1 2 3 4 5 एंड 6। सिमिलर वे अगर आपको 2 डायमेंशनल एरे चाहिए, सो 2 डायमेंशनल एरे का ऑप्शन भी है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है और दूसरे रो एंड कॉलम एक्सिस भी अवेलेबल है, मतलब आपका ओरिजिनल है वो तो वहीं पे रहेगा। आपका रो डिस्टेंस एंड कॉलम डिस्टेंस टाइप कीजिए, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम टाइप कीजिए, बाकी का काम वो खुद करके देगा। यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट में सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एरे, यहाँ पे मेरा फर्स्ट एंडिंग पॉइंट, अब मुझे चाहिए सेकेंड एंडिंग पॉइंट, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 3x3 का एरे बन चुका है, ठीक है। इसी तरह से आप सर्कुलर एरे भी बना सकते हैं, ठीक है, और उस सर्कुलर एरे में आप पोलर एरे भी बना सकते हैं, ओके। सो अब जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं डिस्कस करना चाहूंगा यहाँ पे। जैसे कि अगर आप किसी भी एलिवेशन प्रोजेक्ट या इंटीरियर प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, अगर आपको वॉल क्रिएट करनी है तो सिंपल यहाँ पे आपके पास वॉल क्रिएशन का टूल अवेलेबल है। जस्ट सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पे आपको जो भी चाहिए, थिकनेस, हाइट दोनों आप डाल सकते हैं, फिर लेफ्ट में चाहिए, सेंटर में चाहिए, राइट पे चाहिए, दैट मीन्स कर्सर के किस साइड चाहिए आपको वॉल वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर बिल्ड अ वॉल पे क्लिक कीजिए और जस्ट स्टार्टिंग पॉइंट से आप सारे पॉइंट्स मार्क कीजिए, यहाँ पे आपकी वॉल क्रिएट हो जाएगी, ठीक है, पहना आसान तरीका एकदम। अब मान लीजिए कि इस वॉल पे मुझे चाहिए ओपनिंग। ओपनिंग किसके लिए चाहिए, मान लीजिए वहां पे वेंटिलेशन है या फिर डोर है, विंडो है, कोई भी चीज है, उसके लिए ओपनिंग चाहिए, तो मैं ओपनिंग कैसे कर सकता हूँ। सो यहाँ पे उसके बाजू में एक ऑप्शन दिया हुआ है, क्रिएट ओपनिंग। सो ओपनिंग की विड्थ पहले सिलेक्ट कर लीजिए, एग्जाम्पल 4 फीट बाई 4 फीट की मुझे चाहिए, ओके। देन क्रिएट ओपनिंग पे क्लिक कीजिए, फर्स्ट आप रेफरेंस पॉइंट सिलेक्ट कीजिए, सो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपको चाहिए 4 फीट, फिर आपको वर्टिकल डिस्टेंस कितना चाहिए, मान लीजिए वो मुझे चाहिए 2 फीट, यहाँ पे आपकी ओपनिंग हो गई। अब
सेकेंड मान लीजिए उसके बाजू में 2 फीट की दूरी पे चाहिए, सो 2 फीट और वर्टिकल डिस्टेंस चाहिए 0, सो हो गया दूसरा। ठीक है, सो इस तरीके से आप कहीं पे भी कितने भी ओपनिंग क्रिएट करने हो वॉल पे आराम से कर सकते हैं। अगर आपको ग्रूव लाइन सिलेक्ट करनी है, जैसे कि अभी एक्सटीरियर में आप एलिवेशन पे काम कर रहे हो, तो बाहर की एक्सटीरियर हम ग्रूव लाइन वाली देते हैं, तो अगर आपको ग्रूव लाइन करनी है तो कैसे कर सकते हैं? जो भी फेस पे आपको चाहिए उस फेस को सिलेक्ट कीजिए, ग्रू लाइन को टिक कीजिए। अब आपको ग्रू कितना चाहिए, ठीक है, सो यहाँ पे सारी डिटेल्स फिलअप कीजिए, नंबर ऑफ ग्रूव्स कितने चाहिए। मान लीजिए कि यहाँ पे मुझे नंबर ऑफ ग्रूव्स चाहिए 15। उसके बाद क्रिएट ग्रुप पे क्लिक कीजिए। अब आपको क्या करना है, आपको कौन से लेवल से ग्रूव करना है वो सिलेक्ट करना है। मान लीजिए मुझे बॉटम से करना है, सो पहली ग्रूव जो मेरी है वो बॉटम पे रहेगी। फिलहाल हम एग्जांपल के लिए बॉटम ले रहे हैं। जब भी आप एक्चुअल प्रोजेक्ट पे वर्क करोगे तब आपको कुछ लेवल अप लेना पड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ पे मैं बॉटम पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे आपको दिख रही है ग्रूव्स। अब वो पूछ रहा है कि सॉफ्ट ऑन एजेस, एजेस को आप सॉफ्ट करना चाहते हो, क्लिक ऑन यस एंड यू कैन सी द ग्रूव्स हैज बीन क्रिएटेड। ओके, सो इस तरह से हम ग्रूव्स को क्रिएट कर सकते हैं। सो उसके बाद वाला ऑप्शन जो है वो स्टेयरकेस के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितने सारे स्टेयरकेस अवेलेबल है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। सो आपको स्टेयर्स बनाने की कोई भी झंझट करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली यहाँ से स्टेयर बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए वाला जो स्टेयर है वो आपको सिंगल फ्लाइट वाला मिलेगा। सो सिंगल फ्लाइट में भी अलग अलग ऑप्शन है, ए टाइप ए, देन टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी। ओके, सो आपको कोई भी स्टेयर बनाना हो यहाँ पे आप सारी इंफॉर्मेशन फिलअप कर सकते हैं और बिल्ड स्टेयर पे क्लिक कीजिए। अब आप पॉइंट सिलेक्ट कीजिए जहां पे आपको स्टेयर केस बनाना है, ठीक है, ओरिएंटेशन सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका स्टेयर बन गया। सिमिलर वे दूसरे स्टेयर्स भी आप बना सकते हो, टू फ्लैट। अब इसमें आपको ऑप्शन दिया हुआ है लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, क्लियर। तो यहाँ पे फोर्थ वन भी है अलग अलग शेप के। देन स्पाइरल स्टेयर्स, अगर आपको स्पाइरल स्टेयर भी बनाना है उसमें भी दो टाइप के दिए हुए आपको, टाइप 1 एंड टाइप 2। यहाँ पे सारी डिटेल्स आप फिलअप कर दीजिए एंड जस्ट क्लिक ऑन बिल्ड स्पाइरल स्टेयर। स्पाइरल स्टेयर थोड़ा टाइम लेगा बनने में, ओके, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका स्पाइरल स्टेयर रेडी है, ठीक है। सो 1001 बिट टूल एक कंप्लीट पैकेज है। जब भी हम एलिवेशन या इंटीरियर डिजाइनिंग पे वर्क करते हैं तो हमारी बहुत सारी चीजें वो आसान कर देता है। आगे भी और बहुत सारी है, जैसे कि अगर हमें विंडो फ्रेम बनानी है तो विंडो फ्रेम हम डायरेक्टली बना सकते हैं। क्रिएट अ विंडो फ्रेम, कहाँ पे बनानी है आप जस्ट सिलेक्ट कीजिए और फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने ओपनिंग किया हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट आप वहां पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लीजिए, उसको सिलेक्ट कीजिए, फिर क्रिएट विंडो फ्रेम। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विंडो की एक फ्रेम बन चुकी है, ठीक है। सो यहाँ पे अंदर आप अभी ग्लास इंसर्ट करवा दीजिए, ये हो गई आपकी विंडो। सिमिलर वे आप डोर फ्रेम भी बना सकते हैं, ओके। अब मान लीजिए कि आपको रेडीमेड विंडो ही बनानी है, सो विंडो हम कैसे बना सकते हैं वो हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मुझे यहां से इतने पार्ट में विंडो चाहिए, ठीक है। सो आप वो रेक्टेंगल सिलेक्ट कीजिए, क्लिक ऑन दिस ऑप्शन। अब यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन डालनी है कि नंबर ऑफ रोज कितनी चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम कितने चाहिए, आपको फ्रेम डेप्थ, यहाँ पे आपको डिस्टेंस भी दिया हुआ है कि फ्रेम डेप्थ मतलब कौन सा डिस्टेंस है। सो वो सारी चीजें आप यहाँ पे डाल सकते हैं। फिर आप क्लिक कर सकते हैं क्रिएट विंडो फ्रेम और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विंडो फ्रेम क्रिएट हो गई है। अब आप यहाँ पे ग्लास इंसर्ट करवा दो और आपकी विंडो रेडी है, ठीक है। सो यहाँ पे आप मटेरियल में जाके आप कलर भी दे सकते हो, जैसे कि यहाँ पे हमें वुडन फ्रेम चाहिए, सो वुडन कलर हम इंसर्ट करवा सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम अगले ऑप्शन की ओर। अगर मान लीजिए कि आपको कोई परफोरेटेड स्क्रीन चाहिए, ठीक है, तो हम कैसे बना सकते हैं। सो आप अपने जो भी प्लेन है उसको सिलेक्ट कीजिए, फिर नेक्स्ट ऑप्शन पे सिलेक्ट कीजिए। सो आप यहाँ पे अलग अलग टाइप की यहाँ पे देख सकते हो कि परफोरेटेड स्क्रीन बना के दे रहा है। सो आप विड्थ, हाइट, कॉलम स्पेसिंग वगैरह सब कुछ टाइप कर दीजिए। सो क्रिएट स्क्रीन पे आप क्लिक कीजिए, सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि परफोरेटेड प्लेन क्रिएट हो चुका है, ठीक है।
इन सारी चीजों से हमारा इंटीरियर वर्क एक्सटीरियर वर्क बहुत ही आसान बन जाता है और हम स्पीड में थोड़ा काम कर सकते हैं। सो उसके बाद भी ऑप्शंस अवेलेबल है, क्रिएट अ हॉरिजॉन्टल लॉज ऑन अ सिलेक्टेड फेसेस, देन क्रिएट अ वर्टिकल लॉज। अब हम देख ही लेते उसको भी, यहाँ पे आप देखिए, ठीक है, जैसे कि ये विंडो कवरिंग टाइप आपका बन जाएगा। सेम वे अगर आपको वर्टिकल बनाना है तो आप वर्टिकल भी बना सकते हैं, ठीक है, दिख रहा है आपको? ओके, बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम पाइप वगैरह यूज करते हैं। सो पाइप बनाने के लिए हम पहले सर्कल ड्रॉ करेंगे, सर्कल ड्रॉ करने के बाद उसको एक्सट्रूड करेंगे, और एक्सट्रूड करने के बाद अगर मान लीजिए मुझे इसे बेंड करके इस डायरेक्शन में लेके जाना है तो मैं नहीं लेके जा सकता। पर क्या मैं ऐसा पाइप बना सकता हूँ जो कि एक राइट एंगल पे बेंड होता हो? हाँ, हम बना सकते हैं। किस तरह से? फर्स्ट आपको जितनी लेंथ का वो पाइप चाहिए उतनी लेंथ की आप लाइन बना लो। तो यहाँ पे मैंने एक राइट एंगल लाइन बना के रखी है। अब उन दोनों को आप सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे जाके आप क्रिएट ट्यूब्यूलर ग्रिलेज फ्रॉम सिलेक्टेड एजेस सिलेक्ट कीजिए। ओके, यहाँ पे आपको जो भी डायमीटर देना है वो ट्यूब का वो दे दीजिए। मान लीजिए 3 इंच की डायमीटर वाला पाइप चाहिए मुझे, एंड क्लिक ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक आपका पाइप क्रिएट हो गया, ठीक है। सिमिलर वे अगर मान लीजिए कि ये मुझे सर्कुलर नहीं चाहिए था, रेक्टेंगुलर चाहिए, तो यहाँ पे रेक्टेंगुलर का भी ऑप्शन अवेलेबल है। सो रेक्टेंगुलर सेक्शन कितने बाय कितने का चाहिए? मान लीजिए 2x4, मतलब 2 इंच बाय 4 इंच का चाहिए। क्लिक ऑन ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो रेक्टेंगुलर पाइप भी क्रिएट हो चुका है। अब अगर आपको देखना है कि ये पाइप ही लगना चाहिए तो यहाँ पे जाके आप मेटल वाला कोई भी कलर इसको दे सकते हो, ठीक है। सेम वे अगर आपको कुछ रूफ पे पैटर्न बनानी है तो रूफ के लिए भी हमारे पास ऑप्शंस है। मान लीजिए ये वाली सरफेस हमारी रूफ है, तो यहाँ पे रूफ पे इस तरह के राफ्टर्स बनाने हैं तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे राफ्टर्स बन गए। जनरली जब भी हम स्लोपिंग रूफ बनाते हैं उसके ऊपर ही राफ्टर्स बनाना होता है। सो यहाँ पे मैंने आपको जो समझाया वो हॉरिजॉन्टल लेके समझाया है, ठीक है। सेम वे आपको रिज राफ्टर बनाना है, कुछ भी बनाना है, सो आप बना सकते हो, उसको भी आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। सेम वे जो अपना लास्ट ऑप्शन है, ऑटोमेटिकली क्रिएट हीप रूफ फ्रॉम अ फेस। अभी फेस पे से ही डायरेक्ट वो हीप रूफ बना लेगा। वो किस तरह से रहेगा देखते हम। मान लीजिए कि ये वाली हमारी जो सरफेस है वहां पे हमारा रूफ है, तो क्रिएट अ हीप रूफ, देख रहे हो। अभी इस पे आप मान लीजिए कि आपको राफ्टर वगैरह सब कुछ चाहिए, तो इस फेस को सिलेक्ट कीजिए, देन क्लिक ऑन द राफ्ट, आपको पॉइंट सिलेक्ट करना रहेगा और डायरेक्शन हो गया, ठीक है। सो इस तरीके से आप कोई भी पैटर्न हो वो बहुत ही आसान तरीके से और जल्दी से जल्दी आप बना सकते हो 1001 बिट टूल की मदद से। सो ये सारी बातें हो गई 1001 बिट टूल के बारे में, जो कि फ्रीली अवेलेबल है और आप इसका बेहतरीन इस्तेमाल कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि मैंने जो भी बातें बताई वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कॉमेंट में लिख सकते हैं या फिर मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं। तो गाइज नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ रेंडरिंग के बारे में। तो बने रहिए हमारे साथ सिविल इंजीनियरिंग स्किल पे।